अस्सलामुअलैकुम। तो आज है जुमा, तो जुमा का नमाज़ फ़िलहाल पढ़ लिए हैं। सुबह में चले गए थे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आए थे तो सो गए थे, सो के उठे नहाए हैं, जुमा पढ़ने गए हैं। फ़िलहाल अभी जा रहे हैं सिकोया लेके, कहीं बुलाया है, लोकेशन दिया है, तो देखते हैं कहाँ पे बुला रहा है, कहाँ का लोकेशन है। तो चलिए सिकोया जब तक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से रुका हुआ है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल सिकोया को स्टार्ट कर चुके हैं, अब थोड़ा वेट कर रहे हैं इंजन गर्म हो जाए, तो फिर खोलेंगे लोकेशन, देखते हैं कहाँ का लोकेशन है। पता नहीं क्यों बुलाया है मोहन्नत यानी मैडम का जो है बड़ा लड़का, वो अपना गाड़ी लेके गया है, उसके बाद भी बोला है सिकोया लेके आने के लिए। और मैडम का सेकेंड मतलब नंबर वाला लड़का जो था वो गया है सुबह सुबह एयरपोर्ट, उसको एयरपोर्ट छोड़ के आए हैं। वो गया है मेरे ख्याल से फुटबॉल का कहाँ पे खेला है पता नहीं, वो फुटबॉल का खेला देखने के लिए गया है बाय एयर बाय प्लेन, तो उसको छोड़ के आए थे, आके सो गए थे। अभी ये नमाज पढ़ के बाहर निकले तो कॉल किया कि सिकोया लेके आने के लिए, तो फिलहाल सिकोया लेके चलते हैं, देखते हैं कुछ सामान वान लाना होगा या कुछ लाना होगा, इसके वजह से सिकोया मंगा रहा है। वो जो अपना गाड़ी है वो खुद अपना गाड़ी लेके गया है, उसके बाद भी बोला है सिकोया लेके आने के लिए। इसका मतलब हो सकता है कि सामान कुछ ज़्यादा हो जो उसकी गाड़ी में नहीं एडजस्ट हो पाया हो, इसके वजह से सिकोया मंगा रहा है। तो सिकोया लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है, किस जगह का लोकेशन है, उस जगह चला जाएगा, देखा जाएगा। इसमें आया है ये मेरे ख्याल से मछली लेने के लिए आया है, ये मछली बना बनाया मिलता है, ये होटल है, इस होटल में आया है लेने के लिए। वो चावल और मछली लेने आया था, ले लिया है फिलहाल। और फिलहाल अब मेरी गाड़ी लगा हुआ है, इसका पीछे देख रहे हैं गाड़ी कैसे लगा दिए हुआ है, पता नहीं लगा के कहाँ चला गया है। अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएगा गाड़ी हटाएगा, उसके बाद फिर हमको निकलना होगा। इसी में आए थे, ये हेरा रास्ता, हेरा जो है हेरा में ही है, फिश मार्केट का कोई दुकान वकान है उसी में है ये। तो भाई हम आए गए हुए थे, मछली लेके आए थे, खाना लेके आए थे, खाना खा लिए, भाई सब आए हुए हैं, मैडम की जो माँ है उनका दावत था आज, तो दावत में वो आए हुए हैं, मैडम के दावत के साथ मेरा भी दावत था, तो इनका भी दावत था भाई, ये भी आए हुए, भाई साहब आए हुए हमारे दावत में खाए हैं। अब भाई साहब लेके आए हुए लेक्सस, ये लेक्सस देख रहे हैं, ये सऊदी में ही लेक्सस चलता है, इंडिया में तो फिलहाल ये है नहीं, है मगर ओल्ड मॉडल, ओल्ड मॉडल हाँ हो सकता है। ये गाड़ी देखिए कितना, 3 मिलियन का है ना, प्लस ही होगा, 3 मिलियन प्लस है ये गाड़ी, 3 मिलियन से भी ऊपर का है, बाकी है नहीं, 3 मिलियन नहीं है, 3 मिलियन नहीं, 200,000 का है, ये देखिए की है, ये लेक्सस का, लेक्सस का की है, और ये लेक्सस दिख रहे हैं चमक रहा है, शाइनिंग समझ में आ रहा है, ये जो इंडिया में जो ये चमकने का इसका एक वजह है कि इस पे हाथ सफाई करना पड़ता है, हाथ सफाई कीजिएगा तो गाड़ी सफाई खुद में खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा अगर हाथ सफाई नहीं कीजिएगा तो गाड़ी भाई नहीं चमकेगा, तो हाथ सफाई कीजिए गाड़ी चमकने लगेगा। और ये जैसे इंडिया में जो मर्सिडीज पजेडीज तो था पहले, उसी तरह का समझिए कि लेक्सस है, हाँ। लंबा गाड़ी है, अच्छा खूबसूरत है, सेफ्टी फुल है, फुल अंदर में सेफ्टी और अच्छा क्वालिटी, अच्छा स्टाइल। चलिए अंदर से भी आपको दिखलाते हैं कुछ है ना, ना ना ना, ये देखिए ये रहा स्टीयरिंग का, बायां साइड का स्टीयरिंग यहाँ होता है, दाहिना साइड खाली है, कुछ नहीं है, ये गियर है, और इसके अंदर में देखिए घड़ी है, लेक्सस का ही घड़ी दिया हुआ है, कोई और कंपनी नहीं है, लेक्सस ही लिखा हुआ है, लेक्सस का घड़ी है ये, और ये स्टीयरिंग रहा, ये सब पावर ऑल टू ऑल पावर है, छह एयर बैग है, यानी 6 एयर बैग है, आगे में 4 है, पीछे में 2 है, 6 एयर बैग इसके अंदर में है। ये डिस्प्ले है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले है, और ये नॉर्मल डिस्प्ले है, ये बैक कैमरा का डिस्प्ले है, और ये रहा लेक्सस। आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया गाड़ी का वीडियो बनाकर डालेंगे, वीडियो मिलेगा। ये देख रहे हैं ये लेक्सस का बैक है, इसमें आराम बहुत ही ज्यादा है, ये सिल विंडो है, यानी ऊपर में भी खुलता है, ये भी खुलता है और वो भी खुलता है, संदूप है, संदूप दो है, एक आगे और पीछे दोनों में है। तो चलिए बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं, यहाँ पे गाड़ी बहुत सारा है, गाड़ी की कमी नहीं, गाड़ी है, कमी आप नहीं है, कौन सी गाड़ी देखना है सब गाड़ी मिलेगा यहाँ पे, ब्रिंटली मिलेगा, मर्सिडीज मिलेगा, रेंज रोवर मिलेगा, बीएमडब्ल्यू मिलेगा, लेक्सस मिलेगा, कैडिलैक मिलेगा, उसके बाद क्या कहते हैं हुंडा का ओडिसी मिलेगा, उसके बाद टोयोटा का मिलेगा, सारे गाड़ी अवेलेबल है, सब गाड़ी यहाँ पे है, जो गाड़ी का रिक्वायरमेंट है आपका उस गाड़ी का बताइएगा, अंदर से व्यू आ रही है, बाहर से व्यू सब मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा सेल नहीं कर रहे हैं, बस दिखला रहे भैया हम लोग यहाँ पे उस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, चलाने में आए हुए हैं, चल रहा है गाड़ी, बस यही बात है, सीधी सी बात है, बाकी सब ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ध्यान से। तो भाई साहब आए हुए थे, चले गए, और अंदर से खाना मिला था, मछली चावल,
तो हम लोग आए थे फिलहाल, जो गए हुए थे लाने वहाँ पे बोला, फोन जो किया था मन्नत की आओ, तो गए थे तो फिश फ्राई यानी मछली जो फ्राई करके और चावल फ्राई करके मिलता है तो वही लाने गए हुए थे, तो वहाँ से लेके आए हैं। क्योंकि घर में दावत था मैडम की माँ का, तो माँ आई हुई थी तो इसके लिए मछली चावल लाने गए हुए थे, तो आया तो फिलहाल वो लोग भी खाया और हम लोग को भी मिला अंदर में खाने के लिए, तो हम लोग भी खाएँ उस चीज़ को। वो चावल रहता है और फ्राई रहता है, तब चिक मछली को फ्राई किया रहता है, वो जैसे हम लोग का इंडिया में ग्रेवी वाला और ऐसा वैसा बनता जो है वो नहीं रहता, वो सिर्फ फ्राई किया हुआ रहता है मछली को, तेल में नमक दे के फ्राई कर देता है और उसके अलावा कोई मसाला नहीं, उसके ऊपर में हल्का वल्का जो होता है चाट मसाला या कुछ डालता है, उसके अलावा कोई मसाला नहीं रहता है उसमें। तो फ्राई किया हुआ चावल था, मछली था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाए हैं हम लोग दोनों आदमी मिल के खाए हैं उसको। खाने के बाद फिलहाल अभी जस्ट चले गया है मैडम की माँ। तो 5:30 बज चुका है और हो चुका है शाम, पर पूरा शाम अभी हुआ नहीं है, तो शाम का वक्त हो चुका है, 10-15 मिनट में मगरिब का अजान पड़ेगा, तो मगरिब का अजान पड़ेगा तो मगरिब की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ लेंगे क्योंकि कोई काम अभी फ़िलहाल है नहीं। और बात रही कि मैडम की माँ आई हुई थी, तो मैडम तो कहीं जाएगी नहीं, मतलब माँ के घर तो जाएगी नहीं क्योंकि मैडम की माँ तो यहीं आ गई हुई थी, तो गए थे मछली लाने। वो रहा हमारा सिकोया लेके गए थे, हाथी गाड़ी है यानी उसको अगर आप चलाओगे तो आपको लगेगा कि भाई हम ट्रक चला रहे हैं, इतना बड़ा गाड़ी है, तो उसको लेके गए हुए थे। तो मछली और चावल लेके आए हैं, फिलहाल मछली और चावल इन लोग का फेवरेट होता है यहाँ पे। यहाँ पे नूना पानी होता है यानी नमकीन पानी, समुद्र का जो पानी होता है उसी पानी का मछली होता है, उसी को तेल में मतलब फ्राई करके, और चावल होता है दो तरह का यानी एक लाल फ्राई किया हुआ रहता है या मतलब रंग किया हुआ रहता है, लाल चावल रहता है एक सादा चावल रहता है, तो दो तरह का इन लोग का चावल रहता है। और मछली उसमें प्रॉन भी रहता है यानी झींगा मछली, जो झींगा मछली बोला जाता है वो झींगा मछली भी रहेगा और बड़ा मछली भी रहता है। तो फिलहाल दिया था खाने के लिए, खा लिए हैं, उसका तो वीडियो बनाया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी अगर मिलेगा तो उसका वीडियो बनाया जाएगा। और भाई साहब आए हुए थे, भाई साहब जो है वो मैडम की माँ के यहाँ ड्राइविंग करते हैं, तो मैडम की माँ को लेके जो भाई साहब भी आए हुए थे। अब मेरे पास तो गाड़ी है, 4 गाड़ी है, देख रहे हैं, एक आगे में है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और एक वहाँ हो गया, 4 पर 4 है, पर 4 जो गाड़ी है वो कोई मतलब ज़्यादा महंगा वाला नहीं है, है सस्ता ही है। अब भाई साहब के यहाँ जो है वहाँ पे आपको सब गाड़ी मिलेगा, जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, लैंड क्रूजर हो गया, लैंड रोवर हो गया, ब्रेटली हो गया, लेक्सस हो गया। तो मैडम के माँ के पास जो गाड़ी है वो बहुत ही शानदार एक से एक गाड़ी है वहाँ पे। तो वहाँ का अभी चलेंगे अंदर में, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है, जैसे कैसे ये मैडम का घर बना हुआ है इसी तरह, तो ये मैडम का घर है, इस घर से तकरीबन 10 गुना बड़ा होगा फील्ड, 10 गुना समझ रहे हैं ना, इस वाले मैडम का इस घर से, इस वहाँ से लेके जो गाड़ी सिकोया लगा हुआ है वहाँ से लेके और वो जो गाड़ी लगा हुआ है वहाँ तक का ये घर है, इससे 10-15 गुना बड़ा घर है वो मैडम की माँ का। तो उसके अंदर में ही सब गाड़ी रहता है, बाहर में 3-4 गाड़ी रहता है, जो 18 बोला जाता है, जो डाला बॉडी होता है वो 2 गाड़ी और जैसे 1-2 गाड़ी बाहर में रहता है, बाकी जितना भी गाड़ी है सब अंदर में रहता है। तो वहाँ कभी चला जाएंगे, दिन में कभी जाएंगे, जाते तो है पर शाम में जाते हैं, तो शाम में कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बनता नहीं है क्योंकि अंधेला रहता है। अगर दिन के वक्त जाएंगे, सुबह के वक्त जाएंगे किसी दिन, तो आपको सब गाड़ी का वीडियो दिखलाएंगे कि भाई कौन कौन सी गाड़ी है, जो फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया में जिसे ब्रेटली कंपनी का है, पता है कि नहीं है ब्रेटली का तो पता नहीं, लेक्सस तो था नहीं इंडिया में, अब आ चुका होगा लेक्सस। तो कुछ कुछ ऐसा गाड़ी है जो इंडिया में भी मतलब हमारे कंट्री में भी वो गाड़ी नहीं है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है भाई इसके यहाँ। तो भाई बड़े बड़े लोग की बड़ी बात है भैया, हम लोग तो चलाने वाले काम करते हैं भाई, चलाते हैं भाई, गाड़ी मिलता है चलाने के लिए तो चलता है, सब गाड़ी चला लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, यहाँ जो भी गाड़ी आपको मिलेगा ऑटो गियर यानी गियर का कोई सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, जो भी है यहाँ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो हिसाब का गाड़ी का ट्रैफिक है, जाम रहता है हमेशा, गियर का पॉसिबल नहीं है कि गियर हर गाड़ी चलाए, इसलिए हर गाड़ी ऑटोमेटिक ही मिलेगा, सिर्फ 18 जो होता है जो माल ढोने उने के लिए होता है वो गाड़ी आपको मिल जाएगा गियर वाला। तो चलिए चलते हैं, अजान का समय भी हो गया हुआ है, तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।